डोमिनेंट, सो देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द जायंट मॉलस्क, दे वर व्हाट डोमिनेंट, और उसके बाद जॉलेस क्या हुआ फिशेस का था, ओरिजिन, या सो देयर वाज ओरिजिन ऑफ ओरिजिन जॉलेस ऑफ फिश। या सो देयर वाज ओरिजिन ऑफ फॉर जॉलेस फिशेस वाज देयर, ठीक है, उसके बाद सिलूरियन, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। ओके, उसके बाद सिलूरियन, व्हाट हैपेंड इन द सिलूरियन, जॉलेस जॉलेस फिशेस फिशेस द डोमिनेंट ऑफ नो डोमिनेंट। फिशेस। ओके, सो जॉलेस फिशेस दे आर ओरिजिनेटेड इन द ऑर्डोविशियन एंड दे वाज सिलूरियन में क्या हुआ था, दे आर डोमिनेंट एंड देयर इज अ ओरिजिन ऑफ व्हाट, ट्रू फिशेस, जो ट्रू फिशेस बोलते हैं, तो दे आर ओरिजिन ऑफ ट्रू फिशेस। सो नेक्स्ट इज व्हाट, डेवोनियन, डेवोनियन इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ फिशेस, गोल्डन एज ऑफ फिशेस, गोल्डन एज इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ फिशेस। सो व्हाट हैपेंड इन दैट, सो फिशेस वर डोमिनेंट, फिशेस वर डोमिनेंट एंड एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस, गुड, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन वाज देयर। ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। सो व्हाट हैपेंड इन दैट, सो एम्फीबियंस वर डोमिनेंट एंड देयर इज अ ओरिजिन ऑफ reptiles is also called as that, that is the Cimoria, ठीक है, after that there is Permian, Permian, so what happened in the Permian, origin of mammals, origin of mammals like a reptiles and the gymnosperm, first gymnosperm appeared, when the gymnosperm, first gymnosperm appeared in a Permian, after Permian there is a which era will come, Mesozoic, 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 so what happened in the Mesozoic, age of reptiles, सर आज के लेक्चर के लिए ये सब पता होना चाहिए, नहीं ये सब पता नहीं होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में एक चार्ट बना करके दिया था, ठीक है, तो वो चार्ट सबको बना करके लाने के लिए मैंने बोला था, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट चार्ट। अच्छा हाँ, ये चार्ट बनाते समय बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ईरा लिखा है, ईरा के बाद पीरियड लिखा है, पीरियड के बाद जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखाया था ना, वही डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने वो पीरियड के नीचे लिख दिया, वो डिस्क्रिप्शन पीरियड के नीचे नहीं लिखना था, सो इट वॉज लाइफ फॉर्म, तो लाइफ फॉर्म क्या क्या हुआ था उस पीरियड में वो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, मैंने आप लोगों को बोर्ड पे मतलब स्क्रीन पे लिख के दिया था, फिर आप लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, सो आफ्टर दैट मेसोजोइक विल कम, सो मेसोजोइक इज अ एज ऑफ रेप्टाइल्स, सो इन द मेसोजोइक देयर वर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, रेप्टाइल्स वाज टेक प्लेस, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें कौन सा आया, ट्रायसिक, ट्रायसिक, सो ट्रायसिक में किसका ओरिजिन था, देयर इज ओरिजिन डायनासोर्स मैमल, ठीक है, उसके बाद जुरैसिक, जुरैसिक इज द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स, सो व्हाट हैपेंड इन दैट, सो देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स And origin of marsupials, first toothed bird, and marsupial animals, marsupials mammals, ठीक है, after that there were gymnosperms also dominated, हाँ, so उसके बाद क्या हुआ, gymnosperm and the fern also dominated, ठीक है, उसके बाद क्या आया, Cretaceous, what happened in the Cretaceous, angiosperms also appeared, and origin of primitive plant-based mammals, origin of modern birds appeared, so there were extinction of dinosaurs and archaeopteryx. हाँ, तो देयर वर व्हाट, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर एंड आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, उसके बाद कम टू द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड द सीनोजोइक, सीनोजोइक इट इज द एज ऑफ बर्ड एनिमल एंड एंजियोस्पर्म, तो इसमें पहला कौन सा है, टर्शियरी, क्या है, टर्शियरी, टर्शियरी में पहला कौन सा है, पैलियोसीन, पैलियोसीन, सो पैलियोसीन इज द ओरिजिन ऑफ प्राइमेट, प्राइमेट, फिर उसके बाद क्या आया, योसीन, योसीन में कौन आया, योहिप्पस, योहिप्पस इज अ टाइप ऑफ हॉर्स, मार्सुपियल, डाउन हॉर्स, हाँ, तो हॉर्स जैसे हेंस इट इज कॉल्ड अ डाउन हॉर्स, ठीक है, उसके बाद क्या है, ओलिगोसीन, सो व्हाट हैपेंड इन द ओलिगोसीन, राइज ऑफ मोनोकॉट्स, एप्स इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकी, या सो देयर वर व्हाट, राइज ऑफ मोनोकॉट्स एंड द आर्थ्रोपॉइड्स, एप्स इवॉल्व फ्रॉम मंकी, तो मतलब एप्स बनना चालू हुआ था मंकी से, ठीक है, फिर मायोसिन, मायोसिन में तो कुछ हुआ नहीं था, फिर देयर इज अ प्लायोसिन, प्लायोसिन में क्या हुआ था, एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन अपीयर्ड, आफ्टर दैट देयर इज व्हाट, देयर आर क्वार्टरनरी, तो क्वार्टरनरी में पहला कौन सा है, प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन, तो प्लास्टोसीन में क्या हुआ है, ह्यूमन अपीयर्ड हुआ था एंड सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन स्टार्टेड, फिर उसके बाद क्या था, होलोसीन, सो व्हाट हैपेंड इन द होलोसीन, मेंटल एज ऑफ, मेंटल एज ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ मैन, सुप्रीमेसी ऑफ मैन, सो इट इज कॉल्ड द व्हाट, मेंटल एज हो गया, ठीक है, क्लियर है, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, सो इवोल्यूशन हुआ है इसका अपने पास एविडेंस क्या है, सो देयर आर द
some evidences which are present, ठीक है, through the study of these evidence, we knows that कि हाँ ऐसा कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि साउथ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। मैंने बोला कि अफ्रीका था, अफ्रीका से टूट करके ये वाला पार्ट जो है इधर से अलग हुआ और ये जाकर के कहाँ पे अटैच हो गया, इट अटैच टू द व्हाट, साउथ इंडिया। क्लियर है? सो क्या आप मान जाओगे? नहीं, कोई एविडेंस होगा तो मानेंगे ना। तो सो देयर शुड बी सम एविडेंस। तो मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा, प्लीज टेक दी सम रॉक फ्रॉम हियर एंड टेक दी सम रॉक फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दी सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको मतलब कि जो यहाँ के रॉक है, यहाँ के रॉक जिससे बने हुए हैं, सो दीज रॉक हैविंग अ सेम केमिकल कंपोनेंट्स, ये विद विद द व्हाट, सिमिलैरिटी, तो मतलब कि सेम एलिमेंट्स होंगे या सेम ये होगा। फिर अगर मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज सी द फ्लोरा एंड फौना, तो मतलब जो वेजिटेटिव स्टेट इस एरिया का होगा वही कुछ सिमिलर वेजिटेटिव स्टेट आपको इस एरिया में भी दिखाई देगा, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज गो थ्रू दी व्हाट एनिमल्स, तो यहाँ पे जो भी अपने को एक्वेटिक एनिमल्स मिलेंगे तो मे बी सेम एक्वेटिक एनिमल्स यू विल गेट ओवर हियर, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर दी एविडेंस, क्या है, दीज आर दी एविडेंस। अब देखो ये अफ्रीका कहाँ पे है, ये अफ्रीका साउथ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और ये साउथ हेमिस्फीयर से टूट के कहाँ पे गया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में गया, ठीक है। नाउ दैट पार्ट इज अटैच्ड टू, और दैट पार्ट इज अटैच्ड टू द यूरेशियन कंटिनेंट, तो यूरेशियन कंटिनेंट, तो इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे हिमालय वगैरह है, तो दीज आर दी, और दीज आर दी यूरेशियन, तो यूरेशियन से जाकर के क्या हो गया है, अटैच हो गया है, फिर दोनों के बीच में ब्लॉक आ गया था, तो ब्लॉक किससे भर गया है, सो दैट ब्लॉक वॉज फिल्ड बाय गंगेटिक एंड द यमुना रिवर, ठीक है। सो वो जो बना, सो हेंस इट इज कॉल्ड द प्लेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश एंड बिहार का प्लेन। तो वहाँ पे हेंस इफ यू सी द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, सो द ये सॉइल, सो इट इज मेड अप ऑफ द सॉइल, एलुवियल सॉइल रहता है सर, वो रॉक के वेदरिंग की वजह से वो बहुत छोटे हो जाते हैं, इसलिए वो बहुत फर्टाइल सॉइल बन जाते हैं। So these are what? These are plains. ठीक है, तो these are plains and that plain is made up of what? This soil. These are made up of alluvial soil. ठीक है, किसका बना हुआ है? Alluvial soil का बना हुआ है। अब ये बताओ कि ये जो alluvial soil का बना हुआ है, so there were deposition of the alluvial soil take place with the help of what? Ganga and Yamuna river. Okay. So इसलिए क्या हुआ कि अगर वहाँ पे आप 100 महले की 200 महले की बिल्डिंग खड़ी करने जाओगे, it is possible in Uttar Pradesh and Bihar. नहीं सर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप मुंबई में देखोगे तो मुंबई इज प्रेजेंट ऑन दी बसाल्ट, मतलब कि दैट इज अ डेक्कन प्लेटू, है ना। तो डेक्कन प्लेटू किसका बना हुआ है, डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक, ठीक है, बसाल्ट, ठीक है, तो बसाल्ट रॉक से बना हुआ है ये डेक्कन प्लेटू जो है, ठीक है, जो अपना महाराष्ट्र, फिर नीचे अपना जाओगे कर्नाटक एंड दी सम पार्ट ऑफ दी व्हाट, गुजरात, ठीक है। तो ये सब कार्बो है, दीज आर दी और डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू किसका बना हुआ है, बसाल्ट रॉक का बना हुआ है, ठीक है। तो ये रॉक होने की वजह से क्या है, रॉक होने की वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे महाराष्ट्र में अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो आपको स्टेबिलिटी काफी ज्यादा मिलती है ना, यू विल गेट गुड स्टेबिलिटी। तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी यू कैन मेक दी 100 महले की 200 महले की जो भी मतलब की जितना भी ये है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी यू कैन मेक दी बिल्डिंग। पर अगर यही आप 50 महले की 100 महले की बिल्डिंग अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार में बनाओगे सो देर वर नो ये कोई एबिलिटी नहीं है ना, मतलब कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। सो ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टेबिलिटी अगर आप किसी प्लेन पे 100 महले की बिल्डिंग खड़ी कर दोगे, 50 महले की बिल्डिंग खड़ी कर दोगे, तो इट विल नॉट प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगा, दूसरे दिन गिर जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इफ यू सी, तो अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में सो देयर इज अ नो चांसेस ऑफ द क्या अर्थक्वेक, ठीक है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आते हैं। अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में अर्थक्वेक नहीं आते, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे सो नॉर्थ इंडिया में देयर इज अ चांसेस ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू द हिमालयन रेंज, ठीक है। तो हिमालयन रेंज में अभी भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट होने की वजह से वहां पे क्या आता है, बार बार अर्थक्वेक आता है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है मोस्टली अगर आप देखोगे तो इट इज ओनली डेवलप इन साउथ इंडिया। बोलो क्या बोलने वाले थे सर, क्या होते हैं ये, आपने फ्लोरा फौना की बात की लेकिन साउथ में ज्यादातर पाम ट्रीज दिखते हैं, लेकिन आपने बोला भी अफ्रीकन कंट्री से टूट के निकला है ना, तो अफ्रीका में तो क्या होते हैं वेजिटेशन मिक्स है और इसमें ज्यादा पाम ट्रीज दिखते हैं, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा?
अरे कुछ वेजिटेशन क्या होते हैं, मैं ये वो वैसा वेजिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में आपको बसाल्ट रॉक, तो नीचे कौन सा रॉक मिल रहा है, बसाल्ट रॉक, तो देयर वाज ब्लैक सॉइल ना, तो उस टाइप का आपको एलिमेंट्स वगैरह जो है वो टाइप के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, साउथ में। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये साउथ हेमिस्फीयर में है और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना, तो दोनों का एनवायरमेंट तो चेंज हो गया ना, तो इफ द एनवायरमेंट चेंज तो इफ यू सी द वेजिटेबल वेजिटेशन, तो वेजिटेशन भी तो चेंज हो जाएगा, अंडरस्टूड? हां ओके सर। तो अभी जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है वेजिटेशन में, वेजिटेशन में चेंजेस क्यों दिखाई दे रहा है, ड्यू टू द एनवायरमेंट। अभी अगर आप देखोगे जिस समय पे नॉर्थ में क्या होता है, क्या हुआ, अगर आप देखोगे जिस समय नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में विंटर सीजन होता है, उसमें साउथ में क्या होता है, समर, साउथ में समर होता है ना, तो ठीक है। तो अगर आप, अगर आपको ये अपना एनवायरमेंट ही चेंजेस है, तो हाउ यू विल सी द सेम वेजिटेशन। और सर वो जो सदर्न पार्ट है क्या होता है इंडिया का, वो इक्वेटर के थोड़ा क्लोज है, इसलिए ना इक्वेटर के एकदम क्लोज है, मतलब कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा क्लोज है सर। हाँ इक्वेटर के क्लोज है, तो इट इज अराउंड 8 मेरे ख्याल से, 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप नीचे से इक्वेटर से देखने जाओगे, इक्वेटर से अगर आप, इससे समर साउदर्न पार्ट में पहले शुरू होते हैं इंडिया में। हाँ, तो साउदर्न पार्ट में तो ऐसे ही है, मतलब इफ यू मूव फ्रॉम द व्हाट इक्वेटर टू पोल, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, गर्मी क्या होती जाएगी, टेम्परेचर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, टेम्परेचर कम होते जाएगा, ठीक है। और इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द व्हाट द सन इज प्रेजेंट इन व्हिच हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके ओके सर, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ स्क्रीन शेयर था, ऑटोमेटिकली ये पूरे के पूरे मेरे स्लाइड ही गायब हो गए, बंद हो गया, मैं जस्ट स्विच ऑफ कर रहा हूं। सर आपने बोला कि डेक्कन प्लेटोज में बसाल्ट रॉक की, इसीलिए वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती ना ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने की, स्टेबिलिटी होती है, होती है नहीं? अच्छा ओके, तो नहीं होगा ना। अरे यार आप लोग इतना दिमाग लगा लो, कहीं पे भी अगर रॉक रहेंगे तो रॉक रहेगा तो वो जमीन ज्यादा हार्ड होगी कि सॉइल रहेगा तो हार्ड होगी? रॉक रहेगा तो हार्ड होगी, रॉक रहेगा तो हार्ड होगी ना। तो अगर आप साउथ इंडिया देखोगे तो साउथ इंडिया में आपको क्या दिखाई देगा, साउथ इंडिया में आपको रॉक ही दिखाई देगा ना। साउथ इंडिया, अरे यार आप लोग ज्योग्राफी तो पढ़े नहीं हो, अभी कुछ बोलो तो ये हो जाता है। तो अभी जो साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में पूरे रॉक ही आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना। तो अगर आप पहाड़ पे बिल्डिंग बनाने जाओ, आपको कभी कहीं यहाँ पे दिखाई देता है क्या रिवर वगैरह, ऐसा दिखाई देते हैं क्या आपको? ज्यादा से ज्यादा रिवर कहाँ पे दिखाई देता है, नॉर्थ में कि साउथ में? नॉर्थ में। साउथ में क्यों नहीं होता है रिवर इतने ज्यादा, मतलब होते हैं लेकिन इतने ज्यादा रिवर क्यों नहीं होते हैं? और रिवर कैसे फॉर्म होते हैं, रिवर मतलब कि क्या होता है, वाटर जो होते हैं, वाटर शुड मेक देयर रूट ना, तो रिवर के लिए पॉसिबल है, मतलब वाटर के लिए साउथ में पॉसिबल है जितने भी रॉक है उसको कट 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 करके जाना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी अगर आप रिवर देखोगे, तो जितने भी रिवर कहाँ से निकले हुए हैं, माउंटेन से निकले हुए हैं। अगर आप कृष्णा को देख लो, गोदावरी को देख लो, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द ज्योग्राफिकल व्यू। अगर आप देखने जाओगे तो देखो, अगर आप कहीं का भी कोई भी एरिया डिसाइड करो, तो इसके लिए आपको अगर ज्योग्राफी पता है तो आप कहीं का भी चीज आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी नहीं पता है तब आप कुछ नहीं जान सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुंबई हो गया, तो मुंबई कहाँ पे है, कौन से रॉक में है, क्या बताया मैंने अभी, डेक्कन प्लेटू पे, ठीक है। हाँ, अब डेक्कन प्लेटू कौन से रॉक से बना हुआ है, बसाल्ट रॉक से बना हुआ है। अब डेक्कन प्लेटू बसाल्ट रॉक से बना हुआ है, तो अगर आप बसाल्ट रॉक का डेनुडेशन होता है, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, तो आपको कौन सा सॉइल मिलेगा, एलुवियल सॉइल। बस हो गया यहीं पे, तो कौन सा सॉइल आपको मिलेगा, तो यू विल गेट द ब्लैक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट मिलेगा, ये सॉइल मिलेगा आपको, ब्लैक सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ब्लैक सॉइल देखोगे, तो आपको अगर ब्लैक सॉइल मिल रहा है, तो ब्लैक सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, कॉटन के लिए, ठीक है। तो कॉटन का तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका ये होगा, प्रोडक्शन होगा कॉटन का प्रोडक्शन होगा। और अगर कॉटन का प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। तो अगर आप देखोगे, तो पहले जो बॉम्बे था, तो बॉम्बे इज नथिंग बट व्हाट,
बॉम्बे में कौन कौन था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर आप बॉम्बे देखोगे ना तो बॉम्बे में पहले गुजरात और महाराष्ट्र थे, ठीक है, जिसका क्या हुआ, डिवीजन हुआ। जिसका डिवीजन कब हुआ? 1 मई 1960 को हुआ, ठीक है। तो जब इनका डिवीजन हुआ तो वहां पे गुजरात बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, महाराष्ट्र बन गया। तो बॉम्बे बोला जाता था महाराष्ट्र गुजरात को, महाराष्ट्र नहीं बोला जाता था, ठीक है। तो जब महाराज अपना बॉम्बे टूट गया तो बॉम्बे टूटने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात बना। तो इसलिए अगर आप गुजरात का जो साउदर्न पार्ट देखोगे विच इज नियर टू दी महाराष्ट्र, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो जैसे अहमदाबाद हो गया, ये सब हो गया, तो वहां पे भी किसका ये है इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, कॉटन इंडस्ट्री ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी किसका कल्टीवेशन होता था, कॉटन का कल्टीवेशन। क्लियर है? तो अगर आप कहीं पे भी देखो, अगर आप कहीं का भी इंडस्ट्री देखने जाओ, कहीं का भी कुछ भी देखने जाओ ना, तो यही है। अभी जैसे दुबई है, तो दुबई का जो डेवलपमेंट हुआ, तो अभी तक दुबई का डेवलपमेंट क्या बेच करके हो रहा है, ऑयल बेच करके हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी दुबई, हाँ, तो पेट्रोल डीजल मतलब ऑयल वाई क्रूड ऑयल, ठीक है। तो अभी क्रूड ऑयल बेच बेच करके उन लोग का चलो ठीक है बिजनेस अभी तक हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब इन लोग को ना धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई ये सब बेच बाच करके आप उन तब तक सब कुछ कर सकते हैं, जितना बेचते जा रहे हैं। और वहां पे अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका बार बार ये मतलब कि वहां पे अपना उसका एक गोदाउन है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, वहां पे सब इकट्ठा करते जा रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना कि दुबई के पास क्रूड ऑयल ही नहीं रहेगा, और सब क्रूड ऑयल किसके पास चला जाएगा, अमेरिका, अमेरिका के पास चला जाएगा। तो अमेरिका का उस पर क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा ना। तो अमेरिका आज जो तेल मतलब जो क्रूड ऑयल $40 में मिल रहा है, बैरल मिल रहा है, एक बैरल मिल रहा है, कल अमेरिका बोलेगा मैं 200 बैरल ये डॉलर में बेचूंगा, तभी भी लोगों को तो खरीदना पड़ेगा ना, बिकॉज द ओनली दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसलिए अभी क्या किया दुबई ने, तो इसलिए दुबई जान गया कि भाई मतलब ये तेल बेच बेच के अपना कुछ भविष्य नहीं है। तो इसलिए उन लोगों ने अभी क्या किया, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। किसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, सो नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन आईटी फील्ड। तो वहां पे आप देखोगे तो आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, मैगलेव ट्रेन के नाम बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैग्नेटिक पावर ट्रेन है, हाँ, तो वो सब जो ट्रेन है, तो ये सब में इन्वेस्टमेंट करना दुबई ने क्यों चालू किया हुआ है, बिकॉज दे नोज दैट कि तेल बेच बेच करके जब तेल खत्म हो जाएगा तो लोग हम लोग का तेल निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब जो चीजें होती है, ये सब के लिए आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। कहीं का भी अगर आप ये देखोगे, मतलब कि कोई अभी जैसे अगर देखोगे कि मेमोरियल में जो भी बुरके का ये है, तो बुरका क्यों पहनते हैं उन लोग, व्हाई द कॉस्ट्यूम उनका बुरका है, बिकॉज दे आर मोस्टली लिविंग इन व्हाट, हाँ, हम लोग रेगिस्तान में ही रहते थे ना, तो अगर वो रेगिस्तान में रहते थे, रेगिस्तान बोले तो अपना कौन सा एरिया, अपना एशिया, जो वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, तो वहां पे पूरा आपको रेगिस्तान ही दिखाई देता है। तो रेगिस्तान की वजह से वहां पे जो गिट्टी मिट्टी ये सब होती थी ना, तो उससे बचने के लिए सो दे आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ द कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो कॉस्ट्यूम को सब लोगों ने किससे जोड़ दिया, रिलीजियस से जोड़ दिया। रिलीजियस से जोड़ने की वजह से आज वही लोग अगर अच्छी अच्छी जगह पे, जैसे मुंबई में ऐसा कोई तो रेगिस्तान है नहीं, फ्रांस में रेगिस्तान तो है नहीं, तो वहां पे भी जा करके सो दे आर यूजिंग द सेम कॉस्ट्यूम, बिकॉज वो कॉस्ट्यूम जो है उनके किससे जोड़ दिया गया है, रिलीजियस से जोड़ दिया गया है। तो मतलब किसी का भी अगर आप रिलीजियस का डेवलपमेंट देखोगे, इसका डेवलपमेंट देखोगे, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वहाँ की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। तो ज्योग्राफी और नेचर की वजह से ये सब चीजें क्या होती हैं, बनती हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि ये मतलब कि इंडिया में मोस्टली जो औरतें होती है सिंदूर लगाती है, लोग सिंदूर क्यों लगाते हैं, तो सिंदूर का भी ये सब जो कल्चर वगैरह है, ये सब कहाँ से आया होगा, रिलीजन से जोड़ दिया गया सर। हाँ, किसी ने क्या हुआ होगा, किसी ने गलती से लगा लिया होगा, कभी किसी ने कुछ रंग पाया होगा और उसके ऊपर गिर गया होगा, तो दूसरी औरत ने देखा होगा, बोला अरे यार तेरे ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको अच्छा लगा, तो उसको देख करके दूसरी ने लगाया, उसको अच्छा लगा, तो ऐसे देख देख के बाद में ये क्या बन गया, बाद में ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कस्टम्स में कन्वर्ट हो गया। तो आज मतलब ये हो गया कि मतलब जिसको शादी शुदा हो गया रहेगा तो वही ये लगाएगा, ठीक है, मतलब सिंदूर लगाएगा। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब जो कस्टम्स होते हैं, ये सब होते हैं। सो इफ यू गो टू द हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो उसमें ये सब चीज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग हिस्ट्री में नहीं हो, आप लोग साइंस में हो। सो दीज आर दी वर्ड, दीज आर दी एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। तो हम लोगों ने इवोल्यूशन देखा था, नाउ वी गो टू द एविडेंस, ठीक है। So first evidence is what? Paleontological evidence. What is the paleontological? Paleontological, it is related about to? About fossils. Good. It is related to the fossils field. Fossils field, bolo, why there is a fossil field? Paleontological. अब देखो क्या हुआ कि जो जो चीजें जिन लोग मर गए हैं तो उन लोग कहाँ पे चले गए हैं?
सो दे वेंट इनटू द अर्थ, ठीक है, दे वेंट इनटू द अर्थ और द सॉइल. तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो जो पेड़ पौधे मतलब जो प्लांट्स हैं ये सब है, ठीक है, दे विल कन्वर्ट इनटू द कोल, ठीक है. बट इफ यू सी द लिविंग थिंग्स, तो एनिमल्स हो गए, ये सब हो गए, सो दे विल कन्वर्ट इनटू द ऑयल, क्रूड ऑयल. ओके, सो हेंस देयर इज अ व्हाट, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. Next, if you see, there is a morphological and the anatomical evidences are there. Somewhere you will see there is a biochemical evidences are there. Then the evidences for the evolution by the natural selection. So, what is the evidences for evolution by natural selection? So, मतलब nature खुद pick करती है कि कोई सबसे एकदम fittest रहेगा nature में, तो वही क्या होता है? Survival of the fittest. हाँ, तो survival of the fittest. तो उसमें क्या हो जाता है? अगर कोई भी बंदा ऐसा है कि जिसको मतलब कि अभी जैसे कि कोई एक ग्रीन कलर की चिड़िया है और कोई ग्रीन कलर की चिड़िया जाकर के कहाँ पे बैठ गई है, किसी पेड़ के उस पे बैठ गई है, अपना स्टेम पे बैठ गई है, तो स्टेम का कलर क्या होता है? ब्राउन. तो इफ इट इज अ ब्राउन एंड व्हाट इज द कलर ऑफ दैट बर्ड? ग्रीन. तो अगर कोई भी हंटर आएगा तो उसके लिए उसको हंट करना, हंटिंग करना इजी पड़ेगा कि हार्ड हो जाएगा? पड़ेगा, ठीक है. तो अब क्या हुआ, उसको अगर दिमाग होगा तो वो क्या करेगी, वो देखेगी कि अरे मेरा कलर क्या है, ग्रीन है, और इसका कलर क्या है, ब्राउन है. तो मतलब लोग मेरे को बड़े आसानी से देख करके मेरे को क्या कर देते हैं, मार देते हैं. तो उसको अगर दिमाग आएगा तो कहाँ पे जाके बैठेगी? लीव्स पे जाके बैठेगी. हाँ, तो अगर वो लीव्स पे मूव करेगी, लीव्स पे मूव करेगी तो अभी जो हंटिंग करने के लिए आएगा उसको अच्छे से दिखाई देगा क्या लीव्स की वजह से? नहीं, ग्रीन. तो अब वो मारने जाएगा तो मतलब वो जितने अच्छे से नीचे मार सकता था, मतलब स्टेम पे मार सकता था, उतने अच्छे से लीव्स पे नहीं मार सकता है, ठीक है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर द एविडेंस बेस्ड नेचुरल सिलेक्शन. जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्पैरो को सुना है अपना, स्पैरो के बारे में? हाँ सर. चिड़िया, तो ये जो स्पैरो है तो ये मुंबई में बहुत सारी दिखती थी, मतलब जब हम लोग छोटे थे, मतलब जब हम लोग 8वीं 9वीं में थे ना, तो इतने होते थे, इतने होते थे, इतना झुंड में उड़ते रहते थे, झुंड में उड़ते रहते थे. जब ये झुंड में उड़ते रहते थे फिर क्या हुआ कि उस समय पे मुंबई में इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ करते थे. इंडिया मतलब मुंबई में कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप देखोगे तो इट इज मैक्सिमम फ्रॉम 2005-6 से ये सब ज्यादा होना चालू हुआ कंस्ट्रक्शन वर्क. तो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से क्या होता था कि जो स्मॉल ये निकलते थे ना, मतलब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं रेती सीमेंट के ना, तो वो सब क्या हुए, सो दे मेक ब्लॉक इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दैट स्पैरो. तो ड्यू टू दैट स्मॉल पार्टिकल्स विच केम फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन वर्क, इसकी वजह से स्पैरो का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया. और ब्लॉक होने की वजह से स्पैरो क्या होने लगे, मरने लगे. तो ये क्या हो गया, दीज आर दी एविडेंस. तो बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है नेशनल पार्क हो गया या जहाँ जहाँ पे अपना जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो भी एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है. अगर आप लोग देखते हो कि ईगल के बारे में, यू नो अबाउट द ईगल? यस सर. हाँ, ईगल का कोई ये रिलीजियस ये पता है आपको? Anyone knows? गरुण वाला. ईगल का कोई रिलीजियस ये पता है अपना इम्पोर्टेंस? वो पारसी लोग में करते हैं ना. हाँ, क्या करते हैं पारसी लोग? हिंदू में भी फ्यूनरल के लिए वो लोग. देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो पारसी धर्म के लोग होते हैं ना, तो जब उन लोग मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद क्या हुआ था, होता है कि वो जो पारसी लोग होते हैं ना, वो पारसी लोग उस बॉडी को, डेड बॉडी को जाकर के खुले जगह में फेंक देते हैं, ठीक है. तो फेंक देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, गरुड़ मतलब कि ईगल इज अ गिद्ध ना, वही है ना, ठीक है. सो क्या होता है कि वो ईगल आता है और उसको खाता है. किसको खाता है? डेड बॉडी को. मरे हुए इंसान को, डेड बॉडी को खाता है. तो डेड बॉडी को खाता है तो क्या होता है, मतलब लोगों को समझ में आता है कि अगर ईगल ने उस डेड बॉडी को खाया तो मतलब कि वो डेड बॉडी का आदमी बहुत अच्छा था, और उसका उन लोग ना उठा करके फिर उसको ले जा करके कुएं में डाल करके उसको अच्छे से क्रियाकर्म करते थे. नॉर्मली ऐसा होता है. सर, फिर उनको हिंदू में भी एक है गरुड़ पुराण नाम का. क्या हुआ सर? हिंदू में भी एक है गरुड़ पुराण नाम का. ठीक है, होगा, लेकिन नॉर्मली ये पारसी धर्म में ज्यादा सुना जाता है. सर, उनको कैसे पता चलेगा कि वो खा रहा है?
सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ ना, उसको खुले में जाकर के रखते हैं तो उसको ईगल आके खाता है, ईगल आके खाता है तो उनको लगता है कि मतलब ये बहुत अच्छा इंसान था इसलिए इसको ईगल ने खाया, और उसको ले जाकर के फिर हाथ से उठा करके उसको ले जाकर के कुएं में डाल करके उनका जैसे भी ये सब होता है उन लोगों ने करते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि अगर कोई ईगल आकर के उस डेड बॉडी को नहीं खाया, तो अगर किसी ईगल ने आकर के उस डेड बॉडी को नहीं खाया तो उन लोगों को क्या लगता है कि ये जो है बड़ा कमीना टाइप का इंसान था, तो कमीना टाइप का इंसान था तो लोग उसको ना पैर से मारते 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 ले जाकर कुएं में डाल देते थे, ठीक है। तो उन लोग मतलब उसका अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करते थे, इन शॉर्ट। ओके, लेकिन सर अगर क्या होता है अगर वो खाते रहेगा ईगल, क्या होता है अगर हम लोग ने अगर उसको लेके जाना चाहा बॉडी को, ईगल ने अटैक कर दिया तो? अरे मेरे भाई, 24 घंटे के लिए छोड़ के जाते थे ना ईगल के पास, तो ईगल नहीं खाएगा, मतलब जब तुम बॉडी लेने आओगे तब ईगल खाएगा। अपना दिमाग थोड़ा साइड में रखो, तो मेरा जो नॉर्मली है, मेरा बोलने का जो मतलब है वो पहले सुनो, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि मेरा, मैं उनका अंतिम संस्कार कैसे होता वो मैंने बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो ईगल होते थे, सो दे आर व्हाट, दे आर ईटिंग डेड बॉडी। ओके, सो नॉर्मली व्हाट हैपन कि जब भी किसी भी एनिमल को पेन होता है तो विच पेन किलर वी आर यूजिंग नॉर्मली? पैरासिटामोल वी आर यूजिंग मनली फॉर हेडेक, ठीक है। तो इट इज अ कॉक्स 3 ड्रग, ठीक है। तो देर इज अ कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3, पैरासिटामोल केम इन अ कॉक्स 3 दैट वी आर यूजिंग फॉर द हेडेक ओनली, ठीक है। सो ये जो था अपना डाइक्लोफिनेक था, तो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी एनिमल को एज अ पेन किलर। तो अभी हम लोग ने क्या किया, जितने भी एनिमल्स थे सब एनिमल्स में हम लोगों ने मस्त में डाइक्लोफिनेक यूज किया, और डाइक्लोफिनेक यूज करने के बाद जब वो एनिमल मर जाता है तो डाइक्लोफिनेक उसके बॉडी में रह जाता है ना? यस सर। तो वो डाइक्लोफिनेक जो उसके बॉडी में रह जाता है, तो डेड होने के बाद लोग वो एनिमल को खुले में जब फेंक देते थे तो उसको आते थे ईगल खाते थे। अब ईगल खाते तो डाइक्लोफिनेक इनडायरेक्टली किसके बॉडी में जा रहे हैं? ईगल में। और दैट ईगल इज सफरिंग फ्रॉम देवर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, दे आर सफरिंग फ्रॉम गॉइटर। तो गॉइटर की वजह से मतलब दे सफर्ड विद द गॉइटर, और गॉइटर की वजह से उनका जो नेक होता था, नेक क्या हो जाता था, नैरो हो जाता था। एंड ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्टेस की वजह से वो जो ईगल होते थे मर जाते थे। तो ईगल की संख्या काफी कम समय में काफी ज्यादा कम हो गई, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने फिर से देखा कि यार इतने सारे ईगल कैसे मर रहे हैं, बिकॉज ईगल हैविंग व्हाट सम रिलीजियस इंपॉर्टेंस ना, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान दिया, ये दिया। तो बाद में पता चला कि ईगल आर टेकिंग व्हाट, दे आर टेकिंग डाइक्लोफिनेक, ड्यू टू द डाइक्लोफिनेक दे आर सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, ड्यू टू द गॉइटर सो देयर इज द रेस्पिरेटरी चोकअप, एंड ड्यू टू द रेस्पिरेटरी चोकअप ईगल डाई। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन है एनिमल्स में देना के लिए बंद कर दिया। क्लियर? तो ऐसे ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं। तो अभी मतलब कि अभी भी अगर आप देखोगे बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह आते हैं, ये सब आते हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये है, ठीक है। यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उन लोग इसलिए ही पूछते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मतलब कि वी हैव टू नो अबाउट द इन्वायरमेंट के बारे में अपने को पता होना चाहिए। बहुत सारे तितली हनी मतलब ये थे, तितली वगैरह सब थे, बटरफ्लाई वगैरह थे। सो दे आर लिविंग वेयर, दे आर लिविंग इन वेस्टर्न घाट के इस एरिया में रहते थे, किसमें, लोनावाला एंड कसारा में। तो वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हुआ तो काफी सारे बटरफ्लाई डिसअपीयर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, तो वो जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट का, सो दे आर व्हाट कॉग्नाइज दीज ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो वो मोटो उन लोग खुद से करते हैं। चलो आगे चलते हैं। सो नाउ कम टू दी व्हाट, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो व्हाट इज द पैलेंटोलॉजी? Paleontology is nothing but it is a study of